सब्सक्राइब करें मेरे चैनल ड्राइंग स्टडी को और बेल के आइकन को दबा दें, साथ ही ऑल पर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। सभी को मेरा राम राम। आज हम पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 75। एक वर्ग बनाओ जिसके कर्ण और भुजा का अंतर वी रेखा के समान दिया है। तो हमें एक अंतर दे रखा है वी रेखा के समान, हम एक अंतर ले लेते हैं यहाँ पे, हमें एक अंतर दे रखा है वी रेखा के समान। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने ये वी रेखा के समान अंतर दे रखा है, ये हमने लेना है एक रेखा पे। तो हमें यहाँ पे सिंपल सी हल्की सी रेखा ले लेते हैं और इस पे हमने नाम देना है इसका ए। हम इधर को भी कोई नाम नहीं देंगे क्योंकि हमने बी जो अंतर दिया हुआ है ये हमने लेना है। तो हमने जितना आपका बी अंतर है ये आप देख सकते हैं, इतनी प्रकार खोल के हमने यहाँ पे चाप लगानी है ए से, इस तरह से। और ये जो पॉइंट आपका आ रहा है इस पॉइंट का नाम हम दे देंगे पी। अब हमने क्या करना है, जो हमारा पी पॉइंट आ रहा है इस पे हमने यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बना देना है यहाँ पे। इस तरह से ये आप देख सकते हैं ये हमारा 90 डिग्री का कोण बन गया है। ये हम हल्की यहाँ पे लाइन लगा देंगे डॉटेड लाइन। अब हमने क्या करना है, जितना हमारा ये बी है ए और सॉरी आपका ये बी आपको दे रखा है इतनी प्रकार खोल के हमने पी से काट देना है यहाँ पे। और ये जो पॉइंट हमारा आ रहा है जहाँ ये कट रहा है ये पॉइंट हमारा है क्यू। हमने क्या करना है क्यू पॉइंट पर प्रकार रखना है, पी जितनी प्रकार खोल के हमने यहाँ से चाप लगा देनी है इस तरह से। अब हमने क्या करना है Q और A को हमने आपस में मिला देना है यहां से, हम इसको डार्क मिलाएंगे और इसको हम आगे बढ़ाएंगे जहां तक ये चाप आ रही है इस तरह से। और ये हमारी जो है वो वर्ग जो हमारा ये बनना है यहाँ पे इसका एक भुजा आ चुकी है, ये पॉइंट हमारा आ गया है D। अब हमने क्या करना है D पॉइंट पे हमने प्रकार रखना है इस तरह से और हमने ए जितनी प्रकार खोल के यहाँ से हमने डॉटेड चाप लगानी है इस तरह से आप देख सकते हैं। और हमने जो आपकी ये रेखा है ए अब हम इसको आगे बढ़ा देंगे यहाँ से, ये अब ये हमारा बनेगा कर्ण ए सी। तो ये हमारा कर्ण ए सी है अब हम इसको कर्ण बोलेंगे क्योंकि कर्ण हमें नाप नहीं इसका दिया था, तो हमने अभी पहले ये हल्की रेखा लगाई थी यहाँ पे इस तरह से। तो अब हमारा जो ये कर्ण है ये अब ये हमारा कंप्लीट हो गया है ए और सी। अब हमने क्या करना है सी और डी को भी आपस में मिला देना है यहाँ से इस तरह से, हम इसको आपस में मिला देंगे। अब हमने क्या करना है, जितना आपका ये ए डी था इतना ही आपका सी डी है आप देख सकते हैं। इसी तरह से हमने यहाँ पे चाप लगानी है नीचे इस तरह से और हमने सी से चाप लगा दी है। अब हमने चाप लगानी है यहाँ पे और हमने इस चाप को काट देना है इस तरह से, इस तरह जहाँ ये चापे आपस में कट रही है ये पॉइंट हमारा आ गया है यहाँ पे, ये है बी पॉइंट। अब हमने क्या करना है ए और बी को भी आपस में हमने डार्क मिला देना है यहाँ से इस तरह से। और बी और सी जो हमारा पॉइंट है इसको भी हमने आपस में डार्क मिला देना है इस तरह से। ये आपका वर्ग जो है वो बन के तैयार हो गया है बी जो आपको अंतर दिया था इसके हिसाब से। तो ये प्रश्न नंबर हमारा है 75, ये आपके बन के तैयार हो गया।
अगला हमारा है प्रश्न नंबर 76। एक सम चतुर्भुज बनाओ जिसका कर्ण ए सी और एक भुजा बी दी है। तो हमें एक कर्ण दे रखा है, एक भुजा दे रखी है, हमने एक कर्ण ले लेना है सबसे पहले। तो हम कर्ण ले लेते हैं, ये हमने कर्ण ले लिया है जिसका नाम हम देते हैं ए और सी, एक हमने लेनी है भुजा। ये हमारी भुजा है बी। जितना हमारा ए सी कर्ण है इतनी हमने एक रेखा लेनी है, ये हमारा है 6 सेंटीमीटर है, हमने 6 सेंटीमीटर की रेखा लेनी है यहाँ पे। ये हम देख सकते हैं ये हमारा कर्ण है ए और सी, और हमने क्या करना है जितनी हमारी भुजा है इतनी हमने प्रकार खोलनी है, और हमने सी पॉइंट से चाप लगानी है ऊपर और नीचे इस तरह से, और ए पॉइंट से भी हमने चापे लगानी है इस तरह से। ये चापे आपस में कट जाएगी, इस तरह से जहाँ चापे ऊपर कट रही है यहाँ हम पॉइंट का नाम दे देंगे डी, और जहाँ नीचे कट रही है यहाँ हम नाम दे देंगे बी। हमने क्या करना है ए और बी को आपस में मिला देना है यहाँ पे इस तरह से, बी और सी इसको भी हमने आपस में मिला देना है यहाँ पे, और हमने सी और डी को भी आपस में मिला देना है, और डी और ए जो ये पॉइंट हमारे आ रहे हैं इनको भी हमने आपस में इस तरह से मिला देना। इस तरह से ये हमारा प्रश्न नंबर 76 बनके तैयार।